नमस्कार, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सर आपका नाम? मैं अनिल कुमार जी। सर आपको डेरा सच्चा सौदा से जुड़े कितना टाइम हो गया? मैं 83 से जुड़ा हुआ हूँ जी, दरबार से। ठीक है सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब तक आपके बाबा जी यहाँ थे, संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनसाथ सत्संग किया करते थे, उसका आपको, आपके परिवार को, हमारे समाज को क्या फायदा था? सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अगर मेरे परिवार की अगर बात करूँ तो हम कभी भी, अगर हम डेरा सच्चा सौदा से न जुड़ते तो हम ये कभी भी समझ भी नहीं सकते थे कि हम इंसान बन सकते थे। क्योंकि जब मैंने दरबार से, डेरा सच्चा सौदा से नाम की अनमोल दात प्राप्त नहीं की थी, मैं आम दुनियादारी के जिस तरह से हैवानियत के लोग होते थे उसी तरह से मैं मेरा जीवन बसर कर रहा था। जब से मैंने डेरा सच्चा सौदा से शाह सतनाम सिंह जी महाराज से नाम की अनमोल दात प्राप्त की है, तब से लेकर आज मेरा जो परिवार, जहाँ तक कि मेरी जो मैरिज है, मैंने सबसे पहला जो मूव किया, मैंने ये, मेरे परिवार ने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि हम अगर अपने बच्चों की या अपने परिवार की या मैं मेरे बेटे की अगर शादी करूंगा तो अगर वो परिवार आगे डेरा सच्चा सौदा से रिलेटेड है तो हम शादी करेंगे, वरना हम शादी नहीं करेंगे। ठीक है सर, मुझे आप ये बताइए कि डेरा सच्चा सौदा बहुत टाइप के सोशल वेलफेयर के वर्क कर रहा है, मैंने ऐसा सुना है, कि आप हमें बता सकते हैं कौन से वर्क्स हैं वो? सबसे बड़ी बात ये है कि डेरा सच्चा सौदा ने जो 134 मानवता भलाई के कार्य किए हैं, उनमें से आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अगर आज पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी, क्योंकि आज रविवार का दिन है, अगर आज दरबार के अंदर वहां पे अगर रूहानी सत्संग होती तो आज इस समाज में जो आज इतनी भयानक विकट परिस्थितियों महिलाओं के लिए चल रहा है, आज लाखों की तादाद के अंदर जो महिलाएं थी आज उन बीमारियों से, वो ऐसे समाज से निकल पाती जिसकी हम कभी भी कल्पना नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे कि मैंने सुना है ब्लड डोनेशन कैंप, आई डोनेशन कैंप, इस पे थोड़ा बताइए हमें कि कैसे वर्क्स होते हैं वहाँ पर? डेरा सच्चा सौदा के अंदर जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निस्वार्थ सच्ची भावना से, और यही नहीं कि दरबार के अंदर, डेरा सच्चा सौदा के अंदर ब्लड डोनेट करने के लिए अकेले जो डेरा सच्चा सौदा रिलेटेड जो लोग हैं वो आते हैं, इसके अलावा भी लाखों की तादाद के अंदर साध संगत के साथ जो लोग आए होते हैं, जिन्होंने कभी भी अभी तक पिज्जे हजूर महाराज जी से अनमोल दात नहीं प्राप्त कर रही है, वो लोग भी आज इस श्रेणी के अंदर शामिल हो चुके हैं और वो भी लाखों की तादाद के अंदर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। और ब्लड डोनेशन के साथ साथ अगर मैं गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करूं तो उसके अंदर डेरा सच्चा सौदा का कोई सराहनीय नहीं है। ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि नशे को कम करने में, शराब वगैरह को कम करने में, वैश्यवृत्ति को कम करने में डेरा सच्चा सौदा का क्या कोई योगदान है? बिल्कुल बिल्कुल, आज तक ऐसी महिलाएं जो वैश्यवृत्ति के दलदल के अंदर धस चुकी है, उन तक मूव करने के लिए एक ऐसा डेरा सच्चा सौदा की तरफ से पैनल तैयार किया गया जिसके रिगार्डिंग वो लोग ऐसी ऐसी जगहों पर, डेरा सच्चा सौदा के अन्यायी ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंचे जहां पे हम बेटियों, हमारी बेटियों से, महिलाओं के साथ इस तरह की जो दलदल भरी जिंदगी थी उसके अंदर जीवन बसर करने के लिए मजबूर किया गया था। जैसे ही पूज्य हजूर महाराज जी ने, सबसे बड़ी बात ये कि जो उन्होंने मूवी चलाई, उन मूवी के अंदर जो संदेश दिया, और जो बिल्कुल साक्षात पूज्य हजूर महाराज जी की टीम ने उन वेश्यावृत्तियों के दलदल में दसी हुई महिलाओं के निकालने के अंदर जो योगदान दिया वो काबिले तारीफ है। ऐसा आज तक कभी भी न हुआ, न कभी आगे होगा। थर्ड जेंडर की अगर मैं बात करूं तो थर्ड जेंडर को आज तक किसी ने भी गले से नहीं लगाया। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी एक ऐसे शख्सियत इस समाज के अंदर, नहीं इस दुनिया के अंदर पैदा हुई, और उन्होंने थर्ड जेंडर को आज आम लोगों की तरह जीवन बसर करने के अंदर अहम भूमिका के अंदर लाखड़ा किया है। ठीक है सर, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि जो बाबा जी पे आरोप लगाए गए हैं इस टाइम वो जेल में है, हम सबके बीच में नहीं है, क्या आप उन आरोपों को सही मानते हैं? मैं आम दुनियादारी से और सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ कि मुझे आप ये बताइए कि अगर एक आदमी इस तरह के, जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, क्या उसकी परिभाषा यह है? सबसे पहले मैं बात करता हूं कि रेप, तो रेप की परिभाषा, हम रेप तब तक सिद्ध नहीं कर सकते। हाँ मैं मानता हूं अगर वो लड़की 18 साल से कम उम्र की होती तो मैं मानता हूं कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम प्रोटेक्शन सेक्सुअल
हरासमेंट एक्ट अगर उनके ऊपर लग जाता तो बात करो, परंतु जिनके बारे में कहा जा रहा है, जबकि आज तक उनको हमने नहीं देखा है कि वो लड़कियां कौन सी हैं, वो 18 साल की एज से अगर अधिक हैं तो सबसे पहले इसके अंदर उसका मेडिकल जांच होती है। कहां मेडिकल जांच हुई है, कहां आरोप सिद्ध हुए हैं, एक गुमनाम चिट्ठी को आधार बनाकर पूज्य हजूर महाराज जी को सलाखों के पीछे भेजा गया है, जबकि ये कदा भी सच्चाई नहीं है, लेश मात्र भी इसके अंदर सच्चाई नहीं है। ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि जैसे आपके बाबा जी इस टाइम डेरा सच्चा सौदा में नहीं है, सत्संग नहीं कर पा रहे, गुरुमंत्र नहीं दे पा रहे, उसका सोसाइटी को क्या लॉस हुआ है, क्या देखने में मिल रहा है हमें? मैं कहता हूँ जी, जिस दिन से डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा सुनारिया धाम के अंदर चले गए हैं, उस दिन से लेकर आज तक सर्वोच्च न्यायालय तक, जो हमारी सबसे बड़ी सुप्रीम पावर है, वो भी आज इस तरह से पथ भ्रष्ट हो चुकी है कि उसके ऊपर भी आज आप देखिए, चाहे वो सोशल मीडिया में देखिए, चाहे आम दुनियादारी के अंदर देखिए, आज उसके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आम दुनियादारी की तो बात मैं आपको क्या बताऊं कि आज जिस दिन से पूज्य हजूर महाराज जी मिशन पे गए हैं, उस दिन से लेकर आज तक, आज की मैं अगर बात बताऊं तो आज भी महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार, चाहे वो यौन उत्पीड़न है, चाहे वो रेप के केसेस हैं, चाहे अन्य भी किसी प्रकार की जो बुराइयां हैं, वो इतना घर कर चुकी हैं कि हे तोबा है तो वो धन्य है, तो वो गुरुजी ही आकर इन बुराइयों से लोगों को निजात दिला सकते हैं। दुनियादारी के अंदर या सरकार के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि वो इस तरह से जो महिलाओं के साथ या आम दुनियादारी के साथ जो इस तरह की घिनौनी हरकतें हो रही हैं उनसे वो वंचित कर पाए। ओके सर, मेरे लास्ट क्वेश्चन कि आप क्या अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट को बाबा जी को लेकर? मैं एक ही अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह से उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, इनकी गहराई से जाएं, इसकी गहराई तक जाएं और गहराई तक जाकर जो सच्चाई है उसको दुनियादारी के सामने लाके प्रस्तुत करें। इस तरह के किसी भी आम आदमी के ऊपर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाकर उन्हें सलाखों के पीछे भेज देना, मैं नहीं मानता कि वो यथासंभव सही होगा। ठीक है, थैंक यू सर। तो सर का यही कहना है कि आज तक जब संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान डेरे में थे, सत्संग किया करते थे, तो उन्होंने हमेशा सोसाइटी के वेलफेयर के ही शिक्षा दी है, हमेशा अच्छे के लिए ही गाइडेंस दी है। उनके होते हुए यहाँ पर बहुत सारे डेरा सच्चा सौदा ने वेलफेयर के वर्क चलाए थे, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप, बॉडी डोनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क सोशल वेलफेयर के थे। और अब इनकी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी इनके बाबा जी को इनके बीच में वापस भेजें, ताकि वही सोशल वेलफेयर के वर्क और भी बेटरमेंट से सोसाइटी के लिए किए जा सकें। थैंक यू।